एक तरफ जहां इस कोरोना आपदा के दौर में स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्य को महज ड्यूटी समझते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी स्वास्थ्यकर्मी हैं जो मानसिक दबाव और खतरे के बीच अपनी जिम्मेवारियों को न सिर्फ बखूबी निभा रही हैं बल्कि रोज कोरोना से जंग भी लड़ रही हैं। जी हां, ऐसी ही एक नर्स पूजा है जो अपनी जिंदगी और परिवार की परवाह किए बगैर बीमार माँ घर समेत पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। वे सभी भागलपुर में हैं। माँ की हालत ज़्यादा खराब है लेकिन ड्यूटी करनी है। कुछ ऐसी ही कहानी अररिया सदर अस्पताल में तैनात नर्स पूजा कुमारी की है। सदर अस्पताल में कोविड जांच केंद्र में कार्य कर रही नर्स पूजा, जो कोरोना के पहले फेज और अब दूसरे फेज में भी लगातार सदर अस्पताल में कोरोना योद्धा की तरह डटी हुई है। नर्स पूजा ने बताया कि उनकी मां पॉजिटिव है और वो गंभीर है, जो अभी भागलपुर में है और घर जाने का मन तो कर रहा है लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो निभानी है। जरा ठहरिए और गहरी सांस लेकर सोचिए, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो कोरोना पॉजिटिव हो, फिर कोरोना के दूसरे फेज में माँ से ज़्यादा जिम्मेवारी अपने कर्तव्य की हो तो फिर आप क्या करेंगे। पूजा जिस कोविड सेंटर में ड्यूटी कर रही है वहाँ रोजाना पॉजिटिव मरीज भी निकल रहे हैं। दवा पे प्रेशर, इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ में कोरोना सारा पेशेंट का जांच करना, देखना, सबको पॉजिटिव भी बहुत आ रहा है अभी। आज दबाव भी रहता होगा क्योंकि आपने बताया कि घर में माँ जी हैं बीमार। जी, मेरे घर में ऑल फैमिली पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छा, अभी तो यहाँ हम अररिया में रह रहे हैं, भागलपुर में मेरा फैमिली है, वो ऑल फैमिली पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बावजूद भी मैं काम कर रही हूँ कोविड-19 में। मानसिक दबाव जो रहता है कि जाके माँ को देखें। जी, मन तो कर रहा है कि जाके देखें लेकिन हम लोग का सारा छुट्टी अभी कैंसिल है, छुट्टी नहीं मिल सकती है जाने के लिए। खतरा तो बना रहता है, पॉजिटिव मरीज वगैरह भी काफ़ी आते हैं। जी, खतरा तो बना हुआ रहता है। फिर कैसे काम हो पा रहा है, इतना हिम्मत जो है कैसे फिर मिल पा रहा है? हिम्मत से काम करते हैं सर, डर तो अंदर से लगता है फिर भी पेशेंट को फील नहीं होने देते हैं। और पेशेंट को अच्छे से समझाना, अच्छे से रहिए, प्रिकॉशन के साथ रहिए, पॉजिटिव पेशेंट जो आते हैं उसको समझाते हैं, मास्क लगा के रहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, घर में अलग रहिए सबसे।